कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने हमें हमारे गाँव में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी प्रेस को संबोधित कर रही हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने, जज नागपाल जी की सीबीआई स्पेशल कोर्ट है, उसने मनीष सिसोदिया जी की जमानत जो है, सॉरी हाई कोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है, और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। और मुझे बार बार एक कहावत याद आ रही है, वह कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। यानी जिन लोगों का कर्तव्य है इन संस्थाओं को बचाए रखना, जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं और अपनी जिम्मेवारी से हटकर प्रदेश को नियम कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का काम करने लगे, तो कौन उस जगह को, उस क्षेत्र को बचाएगा जो कि दिल्ली के साथ लगातार हुआ। दिल्ली के साथ लगातार हुआ कि दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया, जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई, और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया, और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो, जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत सीरियस हैं, और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट, यानी जो समाज, पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है, और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है, और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है, और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं, खरीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं, और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है, ये आज का ऑर्डर है। साथ ही दो दिन पहले मैं कहूँगी 27/5 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है कोर्ट में, और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर पैरा 16.13 16.13 है, द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड कि, हिंदी में पढ़ देती हूँ, कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 12% होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है L1 लाइसेंसी के लिए, उसकी कोई डिटेल प्रस्तुत नहीं की गई, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है उसको एक्साइज डिपार्टमेंट से मांगना था वो नहीं लिया गया, और यहाँ तक कि अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर बने 5 मार्च 2021 को, उनको इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया। तो ये जो अरविंद जी और जो स्टेनो हैं उन लोगों के बयानों से ये मैच करता है। सर्च कंडक्ट की गई, और उस सर्च के दौरान जो कंप्यूटर सीज किए गए, हार्ड डिस्क लिए गए, उनमें से इमेज को फॉरेंसिक जांच के लिए रखा गया, और पाया गया कि जो नियरली फाइनल ड्राफ्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी, जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ था कि डाटा नीडेड, जिसमें कई सारे पॉइंट्स थे और उनमें रिक्वायर्ड था सिसोदिया जी ये सब जानकारी प्राप्त करें, और उनका नाम भी मेंशन था, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट में एक प्रोविजन था कि 5% जो है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन फी जो है होलसेलर L1 लाइसेंस के लिए, और जिसके ऊपर कोई कैप नहीं होगी, इंडिविजुअली फिक्स करने की बात हुई, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं को चूज किया गया, और जो 100 करोड़ का जो काम था उसको 500 करोड़ के लिए उसको बढ़ाया गया। इसी प्रकार से बजट को लेकर जो स्टोरेज डिवाइस है उसने भी जांच पड़ताल की, और रिवाइज्ड ड्राफ्ट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का है उसको पेश किया गया, और सी अरविंद और सुनील सिंगल जो टाइपिस्ट हैं उनके कहे, जो उनका बयान है
उसके अनुसार पाया गया कि ये 10:28 पर ये काम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये 10:30 के आसपास की बात है, तो 10:28 पर ये हुआ जो फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया। और सी अरविंद ने अपने बयान में कहा, 164 का जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें इस बात को रिवील किया कि 5% से 12% तक जो है उसको बढ़ा दिया गया, और जो EDP प्लस इम्पोर्ट फी थी, और साथ में जो L1 लाइसेंसेस जिनका टर्नओवर जो है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह 100 करोड़ से 500 करोड़ हर साल का कर दिया गया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ये कंडीशंस को बदला गया। इसी तरीके से और नाम आए, 20/5/2021 को और 21/5/2021 को एक्यूज जो है साउथ ग्रुप वाले अभिषेक बोनी पल्ली, अरुण आर पिल्लई, बुच्ची बाबू गोरंतला अलोंग विद शरद कुमार शरद रेड्डी, इन्होंने ये दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से आए, एक मीटिंग गौरी अपार्टमेंट में हुई और उसमें एक्यूज विजय नायर भी मौजूद थे, और साथ में अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे, जहां पर इस कॉन्स्पिरेसी को इजाद किया गया, हैच किया गया, मोडालिटीज जो है लाइसेंस बदलने की क्या होंगी और फायदा उठाने के लिए अंडियो फेवर के लिए क्या क्या किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ने और चीज़ें जो है वो रिवील की हैं, और उसके मुताबिक जो मनीष सिसोदिया है उसके कहने पर इंडो स्पिरिट को लाइसेंस दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कार्टलाइजेशन यानी एकत्रीकरण का एक नियम का उल्लंघन था। बावजूद उसके मनीष सिसोदिया ने धमका कर अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर थे, उन्होंने अपने बयान में 164 के बयान में कहा कि स्टर्नली डायरेक्ट किया गया उनको सिसोदिया द्वारा कि L1 लाइसेंस जो है वो इंडो स्पिरिट्स को आप दें, और जो सेकेंड एप्लीकेंट थे डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म कि एक्यूज मनीष सिसोदिया की कंप्लेंट्स कार्टलाइजेशन की थी, ब्लैक लिस्टिंग की थी, मगर इसके बावजूद उस जो कंपनी है उसको लाइसेंस दिया जाए, ऐसी जो है वो सेकेंड चार्जशीट के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, जिन सब चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये जमानत को जो है रिजेक्ट किया गया है। और वापस मैं अपनी बात कहूंगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत क्या करेगा, यानी दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की सेवा के लिए बनी थी, दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री का काम था दिल्ली से भ्रष्टाचार को दूर करना, जो वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट पॉलिसीज को नियमित निर्धारित करने लगे तो दिल्ली की सेवा कौन करेगा, दिल्ली से भ्रष्टाचार को कौन हटाएगा। I will say the same thing in English. There is a very famous saying, when I look at the order passed by the Delhi High Court where Mr. Manish Sisodia's bail application has been rejected by the court, while making rejection order, the court has observed the allegations are very serious in nature. The accused was a public servant. We have not examined the excise policy nor the power of the government. However, the applicant being a powerful person, there is a possibility of him influencing the witnesses. Now, this is the background on which the bail application of Deputy CM Mr. Manish Sisodia has been rejected. There is a very famous proverb which says, fence eating the crop. Now, this comes to my mind because there is a skepticism from of those who are supposed to protect the law and uphold the law become the violators of the law and they start breaking the laws. Somebody who was supposed to serve the city-state of Delhi becomes corrupt and is actually indulging in corruption, where allegations of cartelization and blacklisting against companies exist, and this very person directs the officers to give license to those people who are involved in corrupt practices, and in lieu of bribe, all this is being done by the Deputy CM. These are the observations which have been made by the court. Some observations have been made by the court, and some observations are part of the supplementary charge sheet which has been filed 2 days ago on 27th May in the court. And I will read out certain paragraphs so that everybody's consumption, that what really transpired and what really happened. So
Paragraph 16.13, the investigation has revealed that in the month of February 21, 8 to 10 meetings of group of ministers headed by the accused Manish Sisodia took place, in which some data was sought from the excise department, but no proper minutes or record of discussions of the said meetings were prepared. It has also been दिल्ली लिकर स्कैम के सिलसिले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसके बाद